सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल निखिल प्रीति ऑफिशियल। सो हम पहुंच गए हैं जिम कॉर्बेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जिम कॉर्बेट जा रहे हैं और हम आए हैं नम्हा रिजॉर्ट में। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी पूरा नम्हा रिजॉर्ट कैसा है रिजॉर्ट। चलो देखते हैं, लेट्स गो वॉच। बाय रेडिसन, आप एंट्री देखिए इनकी कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है। और चलिए आगे चलते हैं। तो ये है इनकी एंट्री, चलो एंट्री करते हैं गाइस। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है रिसेप्शन एरिया। करिए हमने अंदर एंट्री रिजॉर्ट के, जो देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अंदर चलते हैं गाइस, फटाफट आते हैं। एक्चुअली गाइस मुझे लग रहा है इनके हॉल है जहाँ पर इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। चलो अंदर चलते हैं गाइस। आओ गाइस अंदर आते हैं। ये वाला व्यू देखो गाइस कितना अच्छा है। यहाँ पर सारे आम लगे हुए हैं इस टाइम रिजॉर्ट में। चारों साइड गाइस ग्रीनरी ग्रीनरी है और कहीं मैंगो लगे हुए हैं, कहीं गुआवा लगे हुए हैं। मतलब यहाँ की स्मेल वगैरह इतनी अच्छी आ रही है, मैं तो वाइब्स इतनी अच्छी आ रही है बस मैं आपको बता नहीं सकती। चलो अंदर देखते हैं और कैसा है। वाह, मुझे अंदर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अंदर चलते हैं। जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पर सिटिंग कर सकते हैं। सो गाइस रिसेप्शन एरिया हमने कवर कर लिया, अब हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। चलो चलते हैं, आइए। गाइस देखिए अब हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं। भैया अभी भैया लेके जा रहे हैं, हमें नहीं पता है। यार देखो कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है इनकी, कितना ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है। यहाँ पर मैंगो लग रहे हैं गाइस। वाओ, बस एक ही शब्द कहूँगी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वाओ गाइस कितनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। कहाँ पर जा रहे हैं भैया? हम रेस्टोरेंट। ओके, नेक्स्ट हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। गाइस यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है पहाड़ों का। यह आउटर एरिया,
हम आपको आउटर एरिया दिखा रही हूँ मैं रेस्टोरेंट का, उसके बाद हम अंदर चलेंगे तब हम दिखाएंगे कैसा है रेस्टोरेंट। और गाइज यहाँ पर हमने पूछा था इवनिंग के टाइम पे यहाँ पर गंगा जी की आरती होती है, तो यहाँ पर इसलिए सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, इवनिंग में सब गंगा जी की आरती एंजॉय करते हैं, यहाँ पर सब बैठ के आराम से इस व्यू को एंजॉय करते हैं। कटिंग देखो इस ट्री की कितनी सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल। चलो अंदर चलते हैं गाइज, देखते हैं। और यहाँ पर आउटर एरिया में हमें दिखा है पूल। चलो चलो हम आपको पहले पूल दिखाते हैं, यहाँ का पूल कैसा है। सो ये है यहाँ का पूल साइड व्यू। वाओ ये देखो गाइस यहाँ की सेटिंग कितनी ब्यूटीफुल है, ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर, ब्लू कलर वाटर और ब्लू कलर का सिटिंग एरिया। देखो गाइस यहाँ पर लोग अभी गेम स्टार्ट है लोगों का, पूल्स में एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम भी एंजॉय करेंगे। ये है यहाँ पर किड्स का पूल एरिया और ये है एल्डर्स के लिए पूल एरिया। और मुझे तो गाइज वो वाला सिटिंग एरिया बहुत अच्छा लग रहा है जो कवर्ड है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है यहाँ का पूल का रिसेप्शन जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सारे टॉवल रखे हुए हैं, इस एरिया पे सारे टॉवल रखे हुए हैं जो पूल के बाद हम यूज करते हैं। चलो अंदर चलते हैं हम। सो गाइस ये है यहाँ का रिसेप्शन, पूल रिसेप्शन जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। सो दिस इज द रिसेप्शन ऑफ द नमहा, पूल रिसेप्शन एक्चुअली। चलो अंदर चलते। सो अंदर के साइड गाइस ये रूम बने हुए हैं, वॉशरूम बने हुए हैं, ये एक साइड लेडीज़ वॉशरूम है और अपोजिट साइड जेंट्स वॉशरूम है। यहाँ पर स्पा भी अवेलेबल है, अगर आपको स्पा वगैरह कराना हो तब भी आ सकते हैं आप। और ये आपके इनके स्पेशल ऑयल्स वगैरह हैं जिनकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लग रही है एक्चुअली। चलो बाहर चलते हैं अब। सो गाइज अब हम जा रहे हैं इनके रेस्टोरेंट एरिया में, तो मैं अब अंदर का आपको दिखाती हूँ कैसा है इनका रेस्टोरेंट एरिया। चलो एंट्री करते हैं। ये इनका ड्रिंक्स एरिया, रेस्टोरेंट एरिया। देखते हैं गाइस आपको बफे दिखाती हूँ आज का बफे कैसा है। यहाँ पर है ये मटर एंड ये है फ्रूट्स, इधर है टमाटो एंड कॉटेज चीज विद बेसिल पेस्ट्रो, पास्ता सैलेड, पिकल्स एंड ऑल, कर्ड, इधर है सूप हमारा, पापड़ और नूडल्स, और क्या है इसके साथ हॉट गार्लिक सॉस। यहाँ है पास्ता मशरूम, यमी मटर पनीर एंड वेजिटेरियन कोफ्ता, आलू गोभी एंड दाल मखनी, यमी यमी। और इधर है दाल तड़का एंड स्टीम राइस,
इधर है हमारा नॉन वेज जो हम नहीं खाते हैं। इधर डेजर्ट हैं, ये है रसमलाई और ये है पेस्ट्री वगैरह। रेस्टोरेंट एरिया तो हमने कवर कर लिया है, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ जा रहे हैं भैया जहाँ हमें लेके जाएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं। बच्चों का है प्ले एरिया, बच्चे आके यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर स्विंग्स वगैरह लगे हुए हैं, स्लाइड्स लगे हुए हैं बच्चों के लिए। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, स्मेल करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो गाइस, इनके पूरे रिजॉर्ट में यार मैंगो लगे हुए हैं, मेरा मन कर रहा है तोड़ के खा लूँ। गाइस हम जा रहे हैं इनका जिम देखने के लिए, रिजॉर्ट का जिम। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं जिम, चलो चलते हैं। नाइस, यहाँ पर सारी ट्रेडमिल्स वगैरह लगी हुई है, साइकिल लगी हुई है, पुशअप वगैरह सबकी मशीन लगी हुई है। आप आके मॉर्निंग में जिनको जिनकी हैबिट है वो जिम यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा है, रूम एसी वगैरह सब कुछ चल रहा है, मस्त एकदम। और देखिए आप, वाटर बॉटल, टॉवल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, जिम के बाद जो भी चीज़ चाहिए होती है सब अवेलेबल है। आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से आप लेक भी देख सकते हैं, लेक देखो पूरी लेक जा रही है रिजॉर्ट से होते हुए। बाकी जिम करते हुए आप ये व्यू देख के जिम करें तो मज़ा ही आ जाएगा गाइस। अगर हमें रोज ऐसा मिल जाए तो मोटिवेशन और बढ़ जाएगा जिम का। सो चलो गाइस अभी हम रूम देखते हैं कैसे हैं यहाँ के रूम। सो ये है इनका रूम, ये है वॉशरूम। नाइस, ये इनका बाथिंग एरिया। दिस इज द सिटिंग एरिया और ये है इनका बेड। और अभी हम बाहर का दिखाते हैं यहाँ से, आप पीछे ये बैक साइड से ये बालकनी एरिया है इनका, ये है बैक साइड ऑफ द रूम। और यहाँ पर फाउंटेन चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ ऊपर देखो गाइस, यहाँ पर लंगूर बैठा हुआ है। देखो एक लंगूर हो रहा गाइस, काफ़ी अच्छा लगा रूम वगैरह। और गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ का प्ले एरिया देखने, कैसा है यहाँ का प्ले एरिया। सो ये है यहाँ का प्ले एरिया, टेबल टेनिस, पूल गेम, कैरम बोर्ड एंड लूडो एंड ऑल। सो ये है बेबी का प्ले एरिया, यहाँ पर टेडीज लगे हुए हैं। यहाँ पर रिंग्स रखी है और ये कलरिंग के लिए एक्टिविटी है, ब्लॉक गेम्स है और ये चेयर्स वगैरह रखी हुई है। सो
सो गाइस, हमारा पूरा एरिया कवर हो गया है। बाकी मुझे नवा बहुत अच्छा लगा रिजॉर्ट। अगर आप बच्चों वगैरह के साथ इंजॉय करना चाहते हो, स्टेकेशन करना चाहते हो, तो आप नवा को मस्ट वॉच कीजिएगा। और बाकी थोड़ा सा ये है कि हम समर्स में आए हैं तो थोड़ी सी आफ्टरनून में गर्मी है यहाँ पर काफ़ी, पर इवनिंग में वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा नवा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।